नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो रामायण और महाभारत के किस्सों से आप परिचित होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे किस्से की जो शायद ही आपने सुना होगा। यूं तो दोस्तों, रामायण में वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आए तो पूरी अयोध्या को उनके स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया। अयोध्या पहुंचने पर सीता जी को स्मरण हुआ कि उन्होंने अयोध्या पहुंचते ही सीता जी को स्मरण हुआ कि उन्होंने माँ सरयू अर्थात सरयू नदी से मन्नत मांगी थी कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आ जाएंगी तो वह वापस आकर वे सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। यह बात याद आते ही सीता जी अपने साथ लक्ष्मण जी को लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पहुंची। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण जी को सरयू नदी का जल लाने के लिए कहा। सीता जी के कहे अनुसार लक्ष्मण जी जल लेने जैसे ही घड़ा लेकर सरयू नदी पर उतरे, नदी में से एक अधासुर नामक राक्षस निकला। राक्षस ने लक्ष्मण जी को निगलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि यह दृश्य देकर भगवती स्वरूपा सीता जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए अघासुर को निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण जी को निगल लिया। जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण जी को निगला, उनका शरीर जल बनकर गल गया। यह सारा दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, क्योंकि वह अदृश्य रूप में सीता जी के साथ सरयू तट पर आए थे। हनुमान जी ने वह जल घड़े में एकत्रित किया और भगवान राम के पास पहुंचे। हनुमान जी ने सारा आंखों देखा हाल श्री राम को सुनाया। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा कि इस राक्षस को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। इस जल को इसी क्षण सरयू नदी में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अधासुर का वध हो जाएगा और सीता और लक्ष्मण पुनः दोनों को अपना अपना शरीर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये थी रामायण का एक रोचक घटना। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।